आर्य एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अच्छा चल रहा होगा। और आज की जो रीडिंग हम देखने वाले हैं वो आपकी जर्नी में स्पिरिचुअलिटी किस तरह से आपकी हेल्प कर रही है आपको आगे बढ़ने में, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे दो पाइल है जैसा कि आप देख रहे हैं। ये स्पेल बुक, इसमें जादू मंत्र लिखा हुआ है, स्पेल करने का तरीका कि कैसे आप अपना मैजिक यूज कर सकते हैं। और यहाँ एक लेटर सा, मैसेज सा, यहाँ पे आप एनवलप देख सकते हैं जिसमें कुछ तो खास है, कुछ तो राज है छिपा हुआ है। तो ये एनवलप खोल के ही वो पता चलेगा। तो ये है आपके कुछ पाइल जो आपको सिलेक्ट करनी है। अपना इंट्यूशन यूज कीजिए, चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं और आप चूज कर लीजिए जिसमें आपके मैसेज हो सकते हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। पाइल वन के साथ शुरू करते हैं। पाइल वन, तो चलिए, जिन्होंने ये चूज किया था, आइए जानते हैं, देखते हैं आपके क्या मैसेजेस हैं। Ace of Cups, Two of Swords, Ten of Swords, Temperance. Okay, तो यहाँ पे कार्ड्स हैं। कुछ और कार्ड्स भी लूंगी मैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। वाओ, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स आए हैं आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या बता रहे हैं मुझे। ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई इंसान बहुत कंफ्यूज है, कोई ऐसी सिचुएशन में है जिसे इसे चीजें परेशान कर रही है। उसे क्या करना चाहिए, क्या चुनना चाहिए अपने लाइफ में, क्या डिसीजन लेना चाहिए, आगे उसके लाइफ में क्या होगा उसे मतलब समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे असमंजस में मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कोई इंसान, बहुत कंफ्यूज है काफी चीजों को लेकर। बट यहाँ पे इस तरह से भी दिख रहा है एस ऑफ कप्स की एनर्जी, लेकिन वो पर्सन अपने दिल की सुनेगा। चाहे उसे भी हो सकता है कि कुछ लोगों को ये हो रहा है कि मैं दिमाग की सुनूं, दिल की सुनूं, दिमाग की सुनूं, दिल की सुनूं, इतने सारे थॉट्स उसके मन में, कहीं ना कहीं बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं यहाँ पर। लोगों की बातें परेशान कर रही है यहाँ पे किसी को। पर यहाँ पे ये भी दिख रहा है आपके लिए मुझे, यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ड्स की न्यू बिगनिंग होते हुए, कुछ खत्म होते हुए और एक नई शुरुआत होते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रही है आपके लिए, जो कि आपको गाइडेंस पे मिलेगी कि आपको कौन सी राह चलना है, कहाँ चलना है, आपको रास्ता दिखाया जाएगा, ऐसा दिख रहा है मुझे। और ये स्पिरिचुअलिटी आपकी मदद कर रही है। ऐसा लग रहा है कोई इंसान यहाँ पे है जो, जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसे आगे कैसे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसे अभी इस दुनिया के तरीके नहीं पता कुछ, जो इस दुनिया का रूल है। हम ये सोसाइटी के रूल्स की बात नहीं कर रहे, इस दुनिया का रूल के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे जिंदगी जी जाती है। अभी उसको इस बारे में नहीं पता है, यहाँ पर वो बस लोगों की सुन रहा है, जो कि उसका मन कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि उसे पता है कि जो लोग कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो सही नहीं है। वो यहाँ पे अपने दिल की सुनेगा,
अब वो अपने लिए खुद अपनी रास्ता देखेगा, अपने लिए खुद रास्ता बनाएगा, वो दूसरों की बातें नहीं सुनेगा। यहाँ पे मुझे ऐसा एनर्जी पर न जाने क्यों मिल रही है, ऐसा लग रहा है एक इंसान बहुत परेशान है लोगों की बातें सुनना। लोग उससे कह रहे हैं तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, इस तरीके की मुझे एनर्जी मिल रही है। खुद भी लाइफ में से कंफ्यूज हैं लाइफ को लेके काफी लोग, उन्हें पता ही नहीं है कि ये जीवन जीना कैसे है, इसमें आगे बढ़ना कैसे है। बट ये बहुत जल्दी ये पट्टी यहाँ मुझे खुलते हुए दिख रही है, और ये इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई इंसान है जो अपने दिल की यूज कर रहा है इन सब चीजों में। लोगों की नहीं सुनना, सोसाइटी में क्या चल रहा ये सब नहीं, कि लोग क्या कर रहे हैं ये सब नहीं देखना, उसका दिल क्या कह रहा है वो अपने दिल की सुनना चाहता है या सुनना चाहती है। अपने हार्ट को फॉलो करते हुए यहाँ मुझे लोग दिख रहे हैं, और खुद को बैलेंस करते हुए भी, काफी लोग खुद को बैलेंस करते हुए भी, जो कि यहाँ पे एक उथल पुथल सी है मन के अंदर, एक उथल पुथल सी जो यहाँ पे बैलेंस होते हुए दिख रहा है। मुझे आप लोगों के लिए एक एंजल का भी कोई मुझे यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, प्रोटेक्शन मिलते हुए मुझे यहाँ पे आपको दिख रही है यहाँ पर, जो कि यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे प्रोटेक्शन वर्ड भी यूज हुए हैं, यहाँ पे स्पेल, यहाँ आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि सेफ किया जा रहा है, बचाया जा रहा है। आसपास की जो एनर्जीज आपको डिस्टर्ब कर रही है उनसे आपको आजाद किया जा रहा है, आपको बचाया जा रहा है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, चाहे वो कोई पर्सन आपको परेशान कर रहा हो, या हो सकता है ये सोसाइटी की वजह से, ये सोसाइटी के जो रूल्स हैं उनकी वजह से आप परेशान हो रहे हो, कोई लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हो, चाहे जैसे भी है परिस्थिति है वो आपको परेशान कर रही है, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, आपको एक अच्छा डिसीजन लेने से आप डर रहे हो, कंफ्यूज हो कि क्या करना बेहतर होगा। यहाँ पे आपके लिए प्रोटेक्शन आते हुए मुझे दिख रही पाइल वन। दूसरा मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई कुछ शेयर नहीं करना चाह रहा है यहाँ पे, क्या ऐसा है कि यहाँ मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है आप लोग के लिए अकेला रहना, अकेला रहना आपके लिए, आप सबके साथ नहीं घुल मिल सकते, सबसे अपनी बातें शेयर नहीं करना चाहते हो, सिर्फ कुछ लोगों के साथ आपको अपने दिल की बात यहाँ पे शेयर करते हुए आप मुझे दिख रहे हो, सबके साथ नहीं। न जाने क्यों आज इस कार्ड में मुझे वो ग्रीडी लालचीपन नहीं दिख रहा, मुझे ये दिख रहा है कि आपके पास जो है अपनी पर्सनल लाइफ आप सबसे डिस्कस नहीं करना चाहते हो, सबके सामने अपनी बातें खोल के रख देने वालों में से नहीं हो, आप अपनी चीजों को संभाल के रखना चाहते हो, अपने लाइफ में थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए, यहाँ पर सिर्फ कुछ लोग चाहिए जो कि बहुत ट्रस्टवर्दी हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो लाइफ में, फेक फेकनेस नहीं पसंद, फेक लोग नहीं पसंद आपको अपने लाइफ में नहीं चाहिए, और आपको आप में ये ताकत है कि आप समझ जाते हो कि वो सामने वाला आपके लिए बना है कि नहीं, मतलब मेरा ये कहने का है कि वो सामने वाला पर्सन आपके लिए ट्रस्टवर्दी है या नहीं, आप ये समझ जाते हो कि वो पर्सन कैसा है, उसकी वाइब्रेशंस आपको मिल जाती है कहीं ना कहीं। बट आप में भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी साइड है ना, किसी का दिल भी नहीं दुखाना है, कहीं ना कहीं अपने ही चीजों से आप उलझ जाते हो, अपने ही चीजों में उलझ जाते हो, किसी को हर्ट भी नहीं करना, लेकिन उसे पता है कि वो सामने वाला पर्सन आपके लिए उतना अच्छा लॉयल वैसा नहीं है, आपको आपके बुरे वक्त पे उस पता नहीं साथ दे ना दे, आपको कहीं ना कहीं ये वाइब्रेशन मिल जाती है लोगों से, बट स्टिल आपको उसका दिल नहीं दुखाना, आप अपने में ही कहीं ना कहीं उलझ जाते हो, अपनी ही चीजों में उलझ जाते हो अच्छा करने के चक्कर में। ये भी मुझे मैसेज आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं मिल रहा है। आपके लाइफ में ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिनके साथ आप खुश रह सकते हो, एक दो चुनिंदा लोग हैं
जिन पे आप बिलीव कर सकते हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स में से कोई एक हो, आपके कजन, आपके सिबलिंग्स में से कोई, आपके कोई किसी का पार्टनर हो सकता है, लेकिन आपके पास ऐसे कुछ लोग हैं जिनके साथ आप अपने दिल की बात कर सकते हो, जो कभी-कभी आपको सपोर्ट करते हैं। बट यहाँ पे मुझे कुछ लोग के लिए अकेलापन भी नजर आ रहा है, अकेलापन, क्योंकि अकेले ही वो मैजिक हो सकता है, अकेले ही वो मैजिक होगा आपके साथ। यहाँ पे एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, मुझे एस ऑफ कप्स का आना, किंग ऑफ कप्स का आना, ऐसा लग रहा है कोई पर्सन ने बस एक मतलब अभी अपने दिल की सुनने शुरू की है, बट आगे जाके वो इसमें माहिर हो जाएगा, इसमें उसे कला हासिल हो जाएगी, अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है, कैसे मुट्ठी में रखना है, कंट्रोल करके, ये नहीं कि किसी के सामने भी खोल दिया, किसी को भी बता दिया, नहीं, क्योंकि इसको पता चल चुका है कि सब वैल्यू नहीं करते, सब यहाँ पे सब लोग आपके लिए नहीं बैठे हैं, ना कोई आपको सुनने के लिए यहाँ बैठा है, ना कोई समझने वाला है आपको, सब लोग नहीं समझ सकते, कुछ लोग हैं लाइफ में जो समझ सकते हैं, जो आपके साथ हैं, और ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है स्पिरिचुअलिटी जानने में कि कौन है आपका, किससे आपको क्या बात करनी चाहिए, और किसके साथ आप, किसके सामने आप खुली किताब बन सकते हैं, और किसके सामने आपको अपनी, वो कहते नहीं किसके सामने दिल दिखाना है और किसके सामने तलवार दिखानी है, ये चीजें भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है आपके लिए। इसमें से भी कुछ देखेंगे आपके लिए। ओपनिंग, हो सकता है आप में से काफी लोगों की यहाँ पे थर्ड आई ओपन भी हो रही हो, कुछ डोर ओपन होते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोगों की मुझे यहाँ थर्ड आई ओपन होते हुए दिख रही है, कुछ डोर ऐसे ओपन होंगे जो आपको रास्ता दिखाएंगे, एक ऐसा डोर जहाँ पे लाइट है, जहाँ रोशनी है, जहाँ पता है कि जाना है, जाना अच्छा होगा, अंधेरे से रोशनी की तरफ, ये अंधेरे से रोशनी की तरफ यहाँ जाने की बात की जा रही है, डार्कनेस से एक, यहाँ पे थर्ड आई भी आपकी मदद कर सकती है, क्योंकि आप में से काफी लोग अपने दिल से कनेक्ट कर पा रहे हैं, और जो लोग दिल से कनेक्ट कर पा रहे हैं, डायरेक्ट दिल से होके यहाँ पे आपके माइंड माइंड तक मैसेज जाएगा। प्रोटेक्शन, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था, प्रोटेक्शन स्टार्टिंग में, यहाँ प्रोटेक्शन वर्ड, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, यहाँ पे भी प्रोटेक्शन लिखा हुआ है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपके लिए प्रोटेक्शन आ रही है कहीं ना कहीं से, इतना आप समझ लीजिए आपको कोई हार्म नहीं होगा, चाहे जैसे ही भी इंसान आपके आसपास हो, आपके इमोशंस को हार्म नहीं होगा, आपको हार्म नहीं होगा किसी भी तरीके का, आपके जो स्पिरिट्स गाइड हैं, आपके जो भी गॉड है जिनको आप प्रे करते हो, आपके मास्टर्स, वो आपको पूरी पूरी प्रोटेक्शन दे रहे हैं यहाँ पर। यहाँ कुछ लोग को सिग्नल्स भी मिलते होंगे, एंजल्स नंबर भी दिखते होंगे, कुछ ना कुछ रेड फ्लैग्स मिलते होंगे कि जैसे फेदर्स भी देखना भी एक तरीके से सिग्नल रेड फ्लैग्स में आता है। पार्टनरशिप, आप लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, उनके साथ आप पार्टनरशिप भी कर सकते हो इस जर्नी में। हो सकता है आप में से काफी लोगों के कुछ पार्टनर भी हो जो इस जर्नी में आपको मदद करेंगे आगे बढ़ने में। यहाँ पे सोल फैमिली की बात भी हो सकती है, यहाँ पे मुझे ये सोल फैमिली वाला भी दिख रहा है, जो आपकी तरह हो, जो आपको समझते हो, जो आपको बढ़ने में, ग्रोथ में हेल्प करे, उनके साथ यहाँ मिलने की बात हो रही है। मैंने कहा सिर्फ वो चुनिंदा लोग जो आपको सुने समझे, कोई भी ऐसा नहीं हो सकता आपके लिए यहाँ पर, आपके लिए यहाँ पे स्ट्रेंथ भी आते हुए दिख रही है। मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि देखना चाहूंगी कि आपके लिए कौन से इनिशियल्स, आपका नाम, यहाँ पे कुछ ए नाम वाले हो सकते हैं, एस नाम वाले हो सकते हैं, पी नाम वाले हो सकते हैं, के नाम वाले हो सकते हैं, सी नाम वाले हो सकते हैं, यहाँ एन नाम वाले हो सकते हैं, आर नाम वाले हो सकते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ आई नाम वाले भी हो सकते हैं, तो ये आपके इनिशियल्स हो सकते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं यहाँ पर,
चलिए आइए देख लेते हैं कुछ और स्पिरिट्स गाइड के मैसेजेस। ये तो हमने आपके लिए देख ही लिए हैं, आपके लिए स्ट्रेंथ आ रही है, कुछ डोर्स ओपन हो रहे हैं, प्रोटेक्शन आ रही है, आपको सिग्नल दिया जाएगा, ठीक है, आपको सिग्नल्स मिल रहे होंगे, कुछ लोग को फेदर्स दिखते होंगे, कुछ और भी चीजें हैं जो आपको किसी के नाम से आपको सिग्नल दिया जा रहा होगा, या फिर किसी भी तरीके का कुछ तो सिग्नल आपको दिया जा रहा है, आपसे कहा जाएगा प्रेजेंट में रहे, जितना आप प्रेजेंट में रहेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा, आप वो सिग्नल को पकड़ पाओगे, वो सिग्नल देख पाओगे कि आपके लिए क्या है। दूसरा, आपको यहाँ पे जो स्पिरिचुअलिटी हेल्प कर रही है वो सही लोगों को समझना, सही लोगों को चुनना अपने लाइफ में, ये आपकी स्पिरिचुअलिटी यहाँ मदद कर रही है। यहाँ स्पिरिचुअलिटी आपको अपने दिल से कनेक्ट करने को कह रही है, दिल की सुने, जब भी माइंड और हार्ट के बीच में आपको कंफ्यूजन हो अपने दिल को चुनिए हमेशा, आपका दिल कभी भी गलत नहीं बोलता, ठीक है। दूसरा, मैं यहाँ पे आपको मुझे मैसेज मिल रहा है मेडिटेशन करना अच्छा होगा और अपने इमोशंस पे कंट्रोल। यहाँ पे ऐसा लग रहा है लोग अपने इमोशंस में बह जाते हैं, इमोशंस में बह जाते हैं। दूसरा, मुझे यहाँ पे ये भी मैं बोलना चाहूंगी आप लोगों के लिए, ग्राउंडेड रहना अच्छा रहेगा। यहाँ पे काफी लोग ऐसा लग रहा है कि बहुत ग्राउंडेड है, लोगों की मदद करना अच्छा लगता है उन्हें, डाउन टू अर्थ है, लोगों को सुनते हैं, सब नहीं है यहाँ पे लिसनर, मतलब कि बहुत लोग नहीं होते हैं जो सुने लोगों को, पर यहाँ पे जो जिन्होंने ये पाइल चूज किए वो लिसनर्स हैं, वो लोगों को सुनते हैं ध्यान से। आपकी ऑब्जर्वेशन पावर भी बहुत अच्छी होगी, आप में वो ताकत है, वो हुनर है कि दूर की सोच लेना, दूर की देख लेना, ये आप में है। आप अपनी तरफ से रिलेशन बहुत अच्छे तरीके से निभाते हो, मुझे ये भी दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं आपको आपकी तरफ वो लोग नहीं है आते हैं, वो उस तरीके से रिलेशन नहीं निभा पाते हैं आपकी तरह सब, लेकिन आप सबसे अच्छी तरीके से रिलेशन निभा लेते हो आप में, ये भी चैनल हो रहा है मुझे आपके लिए। और आगे जाके अब अपने ये जो लव है ना, अपने अंदर ये जो स्ट्रेंथ है ना, अपने हार्ट की पावर दूसरों के लिए यूज करेंगे आप, दूसरों को सलाह देना, दूसरों को एडवाइस देना, आपके अंदर है ये पावर, करते होंगे आप, आपने कभी नोटिस किया होगा लोग आपकी एडवाइस लेते हैं, आपकी एडवाइस काम आती है लोगों को। साइकिक इनसाइट, ओके, लॉर्ड शिवा, वाओ, यहाँ पे स्प्रिट स्काई के मैसेजेस आए हैं आपके लिए, तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं ध्यान से। पहला है, यहाँ पे आया है साइकिक इनसाइट। मैंने कहा था थर्ड आई के बारे में, योर थर्ड आई इज ओपनिंग, ओपन। थर्ड आई की बात मैंने की थी यहाँ आपसे, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से काफी लोगों की थर्ड आई यहाँ पे खुल रही है। एंड अगेन यहाँ पे बर्ड्स की एनर्जी है, बर्ड्स फेदर, इससे आपका कोई ना कोई ताल्लुकात हो सकता है, बर्ड्स फेदर्स, ये आपको, मुझे आप में से काफी लोगों को ऐसा लग रहा है, आप में से काफी लोग मैसेंजर की तरह भी हो सकते हो, जैसे कि हम हैं एक टैरो रीडर, जैसे मैं हूँ, मैं भी आपके लिए एक मैसेंजर की तरह काम कर रही हूँ, ईश्वर का मैसेज आप तक पहुँचाती हूँ, वैसे ही आप भी किसी के लिए मैसेंजर हो सकते हो, जरूरी नहीं है आप टैरट रीडिंग के थ्रू, बट आप एस्ट्रोलॉजी या फिर आप कोई भी तरीके से, जैसे आप किसी को एडवाइस भी देते हो, जैसे हम आपको बताते हैं कुछ, आप किसी को एडवाइस देते हो, तो वो भी कहीं ना कहीं मैसेंजर हैं आप, किसी को एडवाइस देना, आपके थ्रू किसी को कुछ मैसेज पहुंच रहा है, आपके थ्रू लोगों तक बात जाएगी, ये भी मुझे आपके लिए मिल रहा है। See truth for what it is. Follow your intuition. Wow, my God. Ace of Cups. मैंने कहा आपको कि सच देखो, खुली आंखों से देखो, प्रेजेंट में रहेंगे जितना, तभी आप अपने खुली आंखों से, मन की आंखों से, अपने थर्ड आई से वो सच देख पाएंगे, ठीक है। वो सच कहीं ना कहीं आपके अंदर ही है, आपका दिल, वो थर्ड आई जो ओपन होती है ना, वो बाहर की तरफ नहीं, वो अंदर की तरफ ओपन होती है, अंदर की तरफ, खुद में झांकते हैं इंसान, खुद में झांक कर वो आंसर्स निकालते हैं, उनकी सोल उनको जवाब देती है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन, लोगों की मत सुनिए, अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए, ओके। यहाँ आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है और यही स्पिरिचुअलिटी आपको यही बताना और समझाना चाहती है यहाँ पर,
ठीक है। और जो प्रोटेक्शन की बात भी मैंने की थी, वो भी प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है आपको। लॉर्ड शिवा ही आ चुके हैं यहाँ पर, चलिए उनका भी मैसेज हम पढ़ेंगे। राइज अप, उठने का समय है। अपनी जो भी वाइब्रेशन, जो भी एनर्जीज है, आप उसको ऊपर उठाने का समय है। अपनी एनर्जीज को लो में नहीं रखना, बैठे नहीं रहना, ठीक है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में नहीं रहना। ऑनर योर इनर फोर्स, अपने इनर फोर्स को जगाइए। स्टेप आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। स्टेप आपको पूरे पूरे प्रोवाइड किए जाएंगे, आपसे कहा जा रहा है डांस करिए यूनिवर्स के साथ। यूनिवर्स जैसे जैसे कह रही है वैसे वैसे बस कदम रखते जाना है आपको और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। और भी कुछ कार्ड्स मैं आपके लिए यहाँ पे देखना चाहूंगी जो आपके स्पिरिट्स गाइड के होंगे, ठीक है। मैं आपको ये कहूंगी कि आप जिनको मानते हो, जिनको पूजते हो, एक बार उनको मन में आग बन करके एक बार सोच लो, जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनको आप मानते हैं, जिनके आपको लगता है कि हाँ ये हैं जो मेरी मदद करते हैं हमेशा जब भी मैं किसी मुश्किल में पड़ती हूँ, ठीक है। उनकी तरफ से ये मैसेज मैं आपके लिए आप देखने वाले हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं। फाइल वन के लिए क्या मैसेज है, उनके स्पिरिट गाइड्स, उनके मास्टर्स, उनके गॉड उन्हें क्या बताना चाहते हैं। आई एम ऑलवेज विद यू, आइदर इट इज बैड आर गुड सिचुएशन। व्हेन यू आर इन डिफिकल्टीज कॉल मी, ओके। तो ये कुछ आपके मैसेजेस हैं, और भी देखेंगे हम आपके लिए। तो पहले तो ना ये बात तो बोल दी है कि जैसा भी सिचुएशन हो, जैसी भी अच्छी हो या बुरी, वो आपके साथ हमेशा है। मैंने कहा आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, और उन्होंने कहा है जब भी आप किसी प्रॉब्लम में हो तो सैड मत होइए, उन्हें बताइए, उन्हें बुलाइए। अपनी बातें आप उनसे भी शेयर कर सकते हैं जो अकेले हैं, जो अकेला रहना पसंद करते हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है। जिनको नहीं, जिनके पास कोई दोस्त नहीं है जिनसे वो अपनी बातें शेयर करे, कोई है नहीं आसपास जिससे वो अपने दिल की बात कर सके, उनके लिए भी ये सारे मैसेजेस हैं। Have faith, I will guide you। भरोसा रखिए, वो विश्वास रखिए, वो कह रहे वो आपका विश्वास जीतना चाहते हैं, वो आपका विश्वास चाहते हैं खुद पर। और आप चिंता मत करिए, वो आपको गाइड कर रहे हैं। I want to hug you, my child। मुझे ये मैसेज से ना जाने ये क्यों पता चल रहा है कि आप बहुत ज्यादा मतलब ऐसे पर्सन हो जो जो लाइफ में काफी डाउन फेस को भी बहुत स्ट्रांगली फेस करते हैं। और जैसे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने आपको मतलब काफी लड़ते हुए देखा है लाइफ में, लाइफ में काफी फाइट करते हुए देखा है, और सच में वो आपसे बहुत खुश हैं, इसलिए वो आपको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं और आपको हग भी करना चाहते हैं। यहाँ पर उन्हें कहीं ना कहीं आपने प्राउड फील कराया है, क्योंकि आप कहीं कहीं रुके नहीं हो अपने लाइफ में, कहीं हार नहीं मानी आपने, आपके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट है, आप लड़े हो लाइफ में अपने लिए, और आगे भी आपको यहाँ पे अपने लिए लड़ना है, चाहे जैसी सिचुएशन आए, जितनी बार ये सिचुएशन आपको, ये लाइफ आपको गिराए, उठ के खड़े होना है। यही वाइब्रेशन मुझे अभी फिलहाल आपसे यही मिल रही है, न जाने क्यों इन मैसेजेस के बाद। और मैं आपके लिए कुछ देखना चाहूंगी, आपके स्पिरिट गाइड के मैसेजेस। बंडल्स में गिरे हैं तो मैं इन्हें उठा लेती हूँ। ओके, ओह माय गॉड, टॉक टू गॉड, आपसे कहा जा रहा है अपने ईश्वर से कनेक्शन बनाएं, उनसे बातें किया करें, आपको बहुत अच्छा रहेगा। आप मतलब जो सुबह उठते हैं, रात में जब सोने जाते हैं, उससे पहले थोड़ा सा आप उनसे बात कर लें। सुबह उठते ही आप उनसे बात कर लीजिए, क्योंकि पूरे दिन में तो आपको अगर समय नहीं मिलता तो इस टाइम तो आप एक डेकोरेट, कोई कुछ सजाने को कह रहा है अपनी लाइफ के लिए भी। यहाँ पे जैसे आप कुछ भी सजाते हो, जैसे घर में कोई सेलिब्रेशन है, पार्टी है, बर्थडे पार्टीज में कैसे रोल्स वगैरह
जो भी हैप्पी बर्थडे वगैरह बैलून्स वगैरह लेके आते सजाने के लिए, वैसे अपनी लाइफ उन सारी चीजों से, खुशियों से सजाओ, खुशियों से सजाओ अपनी जिंदगी। डेकोरेट करने की यहाँ बात की जा रही है आपसे। बी पेशेंट, पेशेंट लिखा हुआ यहाँ पे, बट आपसे पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। आपसे कहा जा रहा है कि जल्दबाजी ना करें, आपको वो सब चीजें मिलेगी आप जो चाहते हो। पेशेंस रखो, जल्दबाजी में गलत डिसीजन हो जाते हैं। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम है मुझे, मतलब डिसीजन लेने में मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम न जाने क्यों आपके में दिखाई पड़ रही है। लोग सही डिसीजन लाइफ में नहीं ले पाते हैं, और वो भी इसी वजह से होता है क्योंकि सही नॉलेज नहीं होती। जब सही नॉलेज नहीं होगी उस चीज के बारे में, क्योंकि ना आपको सही चीज बताई नहीं जाती। ये सोसाइटी सब अपने मन से चला रहे हैं, सबको लगता है, जिनको जैसा फील होता है कि हाँ ये सही है, वो कहते हैं सोसाइटी, सोसाइटी का नाम लेके अब वो अपना चीजें चला रहे हैं। ठीक है, सोसाइटी के नाम पे जिससे लोगों को डराया जाता है, ये गलत है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए, खुद के अंदर झांकिए, खुद से आंसर पूछिए। डिटॉक्स, काफी यहाँ पे नेगेटिविटी भी रिलीज करने की जरूरत है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा है जिसको उसने मतलब, या तो काफी नेगेटिव सोच के बैठा हुआ है, ठीक है, या अभी बहुत सफर कर रहा है। अभी कोई तो है जो बहुत सफर कर रहा है यहाँ पर, मुझे ना जाने क्यों ऐसी एनर्जीज मिल रही है, तभी उन्होंने हग करने को भी बोला है यहाँ पर। और यहाँ पे वो अब यहाँ पे डिटॉक्स आया है, उस निगेटिव एनर्जीज को निकालने की बात की जा रही है, सफाई करने की बात की जा रही है। अपने अंदर सफाई करिए, उसे जो भी नेगेटिव चीजें उनको बाहर निकाल दीजिए। कनेक्ट विद योर, ओ माय गॉड, यहाँ सोल फैमिली से कनेक्ट करने को बात कहा गया था। उन लोगों से कनेक्ट कीजिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे, जो आपकी तरह आपकी सुने। ठीक है, सब लोग नहीं हो सकते, वो सब नहीं हो सकते आपके लिए। ठीक है, उन लोगों को पहचानिए जो आपकी तरह है, आपके आपको सुनना पसंद करते हैं, आपको आपके साथ मतलब बैलेंस कर पाते हैं, जिनके साथ रहना आपको पसंद है। जिसके साथ आप रहते हो तो आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाती हैं, आपको अच्छा लगता है उनकी संगति। फिल द वेल से थैंक यू। ओ माय गॉड, देखिए मैं आपसे यही कहूंगी कि पहले तो आप थैंक यू कहना शुरू करें। ये थैंक यू वाला जो है, आपसे कहा जा रहा है अपने ईश्वर को थैंक्स करना शुरू करें। यहाँ पे थैंक यू कहें चीजों को लेके, लोगों को लेके, तो ना आपकी लाइफ में काफी जितने भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे क्योंकि रिजल्ट आपको पक्का मिलेगा। ये ऐसी चीज है ना जो काम करती है 100%, इस पे तो स्टैंप लगा के मैं बोलूं, ये 100% काम करती है। चाहे आप जैसे मन से करो, लेकिन आप, मैं ही कहूंगी मन से करिएगा। पहली बात, अगर आपको लगता है कि किसी को थैंक यू कहना चाहिए तो थैंक यू बोलें, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी, कोई भी, एक नॉन लिविंग थिंग भी हो, ठीक है, उसे भी बोलिए, अच्छा रहेगा, आपकी वाइब्रेशन हाई होंगी। लिविंग थिंग्स को कहना ही है, प्लांट्स को कहिए, खुद को कहिए, इस अर्थ को कहिए, ये सूरज जो निकलता है आप उसे भी कह सकते हैं, अपने ईश्वर को कह सकते हैं, अपने पेरेंट्स को कह सकते हैं, अपने दोस्तों को कह सकते हैं, कोई भी अगर आपकी मदद कर रहा है उसे थैंक्स कहिए। थैंक्स नहीं बोल सकते आप, उनके लिए चाहो तो कुछ कर भी सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। फिल द वेल, आपसे कोई कुआं भरने को कहा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुआं है जो खाली है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है वो जो कुआं है ना जो खाली है, उसमें प्यार डालने की जरूरत है, ब्लेसिंग्स डालने की जरूरत है, खुशियां डालने की जरूरत है। ये कहीं ना कहीं ये वेल इन सब चीजों से भरनी चाहिए। उस वेल को डेकोरेट कीजिए, सजा दीजिए। देखिए वेल आपकी जिंदगी है, उसे भरने की जरूरत है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किन चीजों का उपयोग करते हैं इसे भरने के लिए, किन चीजों से। आपके पास चलिए मान लीजिए एक कुआ है, आप इन्हें किन चीजों से भरना चाहेंगे? खुशियों से ना, पॉजिटिव थॉट से, ब्लेसिंग से, थैंक यू से, क्यों? तो ये चीजें कहीं ना कहीं आप दूसरों के लिए भी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करें आपके वजह से किसी को हर्ट ना हो, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी इंटेंशंस अच्छी रहेंगी, आपके साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, इतना आप जान लें। लाइफ में आपके पॉजिटिव थॉट्स, आपके अच्छे इंटेंशंस, यही आपको आगे लेके जाएंगे।
तो ये थी आपकी पाइल, ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1. थैंक यू फॉर वॉचिंग. पाइल 2, जिन्होंने ये पाइल 2 चूज किया था. चलिए देखते हैं आपके एनवेलप में किस तरह के मैसेज है आपके लिए. चलिए आइए हम. यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ क्यों नजर आ रहा है कि किसी के लिए लव लफ्ज़ है. लेट्स सी कि क्या कार्ड्स आपके आते हैं, क्या मैसेज आते हैं. King of Wands, Seven of Pentacles, Five of Wands, The Empress. Okay. Four of Cups. The Devil. Knight of Cups. यहाँ भी एक एनवेलप है. तो इस एनवेलप में जो एनवेलप यहाँ है उस पे तो दिल भी है. चलिए ठीक है, आइए जानते हैं आपके कार्ड्स क्या बता रहे हैं मुझे. मुझे यहाँ पे एक क्रिएटिविटी दिख रही है, एक क्रिएटिव एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जो कुछ बना सकती है, कुछ इन्वेंट कर सकती है, ऐसी पावर मुझे यहाँ पे दिख रही है. यहाँ ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ न्यू, कुछ इस दुनिया के लिए कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, कुछ ऐसी न जाने क्यों इस तरह की एनर्जी है आपके लिए यहाँ पर. जैसे बहुत यहाँ पे ना रिसर्चर्स हैं यहाँ पर, लेबोरेटरी में कुछ ऐसे बना रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, कुछ इनोवेशन वाली एनर्जी है यहाँ पर. यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वाली एनर्जी है, क्रिएटिविटी बहुत पावर में है. कोई किसी को बस जीतना है यहाँ पर, आगे बढ़ना है, इस तरह वाली एनर्जी. कुछ बस यहाँ ये ऐसी एनर्जी कि रुकना नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, रुकना नहीं है यहाँ पर. कुछ बनाते रहना है, कुछ क्रिएटिव कुछ करते रहना है. या कुछ लोग को ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ किया है उसका फल भी उसको मिलेगा. कोई लड़ रहा है किसी चीज के लिए, कोई यहां अपनी पावर समझ रहा है, ये भी मुझे दिख रहा है. मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अपने पावर का यूज बहुत अच्छी तरीके से करें. कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको पता है आपको क्या करना है. ऐसा लग रहा है यहाँ पे लोगों के ऊपर पहले से ही हाथ है, ईश्वर का हाथ पहले से ही यहाँ पर, कि पता है क्या करना है, पता है क्या करना है, बस करे जा रहे. यहाँ रुकने वाले लोग हैं ही नहीं कि कहीं एक जगह रुक जाएं, देखें. यहाँ ऊपर तो एनर्जी जैसी ही है कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं यहाँ पर, रुकना नहीं है. मेहनती लोग हैं, बहुत फाइटर्स हैं यहाँ पर, डरते नहीं है किसी से, करेज है यहाँ बहुत. यहाँ काफी लोग अच्छे खासे तरीके से यूनिवर्स के साथ काम कर रहे हैं. इन्हें पता है कैसे चीजें पाई जाती हैं, कैसे मैनिफेस्ट की जाती, कैसे उसके लिए एक्शन लिया जाता है. यहाँ पे बहुत उस तरीके के लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. यहाँ पर आपके जो नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं, यहाँ पर K हो सकते हैं, P हो सकते हैं, W हो सकता है, E हो सकता है, C हो सकता है, D हो सकता है, M हो सकता है. K न जाने क्यों यहाँ पे K मुझे बहुत A एच पी J
वजह से भी हो सकता है। आपकी जो इनिशियल हो सकते हैं कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के नाम ऐसे ही शुरू होते होंगे। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि फोर ऑफ कप्स, किसी के पास मैजिक है, जान उसके पास जादू है। उससे कहा जा रहा है कि उसने लगता है काफी ट्राई किया, बट जो एक बार और ट्राई करने को किसी को कहा जा रहा है। उसने काफी लाइफ में कोशिशें की हैं, काफी की है, उससे कह रहा है बस एक कोशिश और कर लो, एक कोशिश और कर लो। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के पास पावर है, बट वो कहीं ना कहीं किसी चीज में फंसे हुए, वो देख नहीं पा रहे, अपने पावर को नजरअंदाज कर रहे हैं। उनके पास है वो पावर। उन्होंने कहा कि किसी ने बहुत कोशिशें कर ली, वो थक गया है, लेकिन वो एक आखिरी कप जो है वो उसे यूज नहीं कर रहा है। उसने ये तीनों कप यूज करके देख लिए, लेकिन उसे फायदा नहीं हुआ। बस ये आखिरी कप देख रहे, उसमें से कैसे रेनबो वाली एनर्जी निकल, पर उसने वो यूज क्यों नहीं कर रहा, उसकी नजर वहां नहीं जा रही है। यहाँ कोई थक के हार गया है, किस चीज का वेट कर रहा है, एक सही समय का, उसे नहीं पता कि उसके पास ही है ये। यहाँ यहाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ इस तरीके के लोग हैं, ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। मैंने ऑलरेडी बोला यहाँ थक के, मतलब कि बैठने वाले लोग नहीं है यहाँ। जो बैठ के थक कर वो अपने आप को ढूंढने से रह जाएगा, जो कर रहा है चीजें, कर रहा है लाइफ में बिना रुके बिना रुके, वो खुद को ढूंढ लेगा यहाँ पर। ये मुझे मैसेज मिल रहा है। और ये भी दिख रहा है जहां आप थक के बैठ गए, जैवेल आके तुरंत चलो मेरे साथ, हाथ ऐसे ऐसे फैलाकर चलो चलो मेरे साथ। डेविल का तो काम है अपना हाथ ऐसे ऑफर करना आपको, आप बस एक हाथ बस वहां दिया, चले जाएंगे आप उनके साथ, ठीक है ना। ये तो हर जगह, मतलब ये तो ऐसे ही आपके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। ये तो चाहते ही आप डार्कनेस में जाओ, आप डार्कनेस में जाओ, बट नहीं। डार्कनेस में आप तभी जा सकते हो जब आप खाली बैठते हो। आप सोचोगे जब आप ज्यादा सोचना शुरू कर देते हो ना, ज्यादा सोचना भी, तभी आप कहीं ना कहीं इस डार्कनेस में जाना शुरू कर देते हो। अगर आप काम कर रहे हो लगातार, अपने किसी चीज के लिए लगे हुए हो करने में, चाहे इनोवेटिव, जब आप क्रिएटिव चीजें करते हैं, आप वैसी चीजें सोचते हैं, आप कुछ बनाने को सोचते हैं, कुछ खराब करने को नहीं सोचते, तब आप कुछ खराब चीजें सोच ही नहीं सकते। जब आप कुछ करने और बनाने को सोच रहे हो तो कि आपके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, आप कुछ कुछ लाना चाहते हो उस दुनिया में, कुछ करना चाहते हो उस दुनिया के लिए, तो वो पॉजिटिव एनर्जी है। तब ये चीजें, ये आपको कभी हाथ अगर फैलाएगा भी ना, आप इसकी तरफ नहीं देखोगे, ये भी इग्नोर, क्योंकि आपको ये दिखेगा ही नहीं ना, आपका तो लक्ष्य पे ही नजर रहेगी यहाँ पर। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपको स्पिरिचुअलिटी आपको आगे ले जाने में हेल्प कर रही है। ये इनको आप इग्नोर करने वाले हो, इनको एकदम इग्नोर करने वाले हो, नहीं दिखेगा ये पर्सन आपको। आपसे बस कहा जा रहा है भागते रहो, करते रहो, जो करने इस दुनिया में आए हो उसे करते रहो, करते रहो, रुकना नहीं है। इस दुनिया को जितना दे सकते हो दो, उनके लिए जो कर सकते हो वो करो। ये न जाने क्यों मैसेज आपके लिए यहाँ मुझे मिल रहा है। यहाँ मुझे दिख रहा है आपको सपोर्ट भी करेंगे लोग, कुछ लोग आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं यहाँ पे, ऐसा दिख रहा है एक एक इंसान यहाँ बैठा हुआ है जिसे हेल्प चाहिए, और एक इंसान ये है जो करना चाहता है हेल्प, बड़ी एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे। हाँ, किसी को प्यार चाहिए और कोई प्यार देना चाहता है, बट यहाँ बीच में डेविल है जो उन्हें मिलने नहीं दे रहा। कोई प्यार चाहता है और कोई करना चाहता है। यहाँ डेविल है जो दीवार बन के खड़ा है, फाइट करो। खुद को ढूंढो और बैठे मत रहो, ना आप जो देना चाहते हैं और ना आप जो लेना चाहते हैं। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो प्यार देना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सच में उन्हें जरूरत है इस चीज की। लेट्स सी आगे के मैसेज मुझे आपको बताएं, आपके लिए बताएंगे कि आखिर क्या है ये माजरा, ठीक है। चलिए तब तो पहले हम आपके स्पिरिट्स गाइड के मैसेज कुछ देख लेते हैं, फिर कुछ और भी मैसेज आगे देखेंगे जो बताएंगे कि
ये क्या है आखिर? चलिए मैं आपके लिए पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ यहाँ पर, इसके लिए चेक कर लेते हैं ये क्या है आखिर, इन दोनों के बीच ये क्या है आखिर, जो ये डेविल क्यों खड़ा है? ये मैसेज मिला है, कुछ लोगों ने या तो बाउंड्रीज बना के रखी हैं, खुद बाउंड्रीज यहाँ कुछ लोगों ने बना के रखी हुई है कि ये दो मिल नहीं पा रहे, और कुछ लोगों को सोल, कुछ लोग की सोल अवेकनिंग होनी जरूरी है, उससे पहले, मिलन से पहले सोल अवेकनिंग होनी जरूरी है, खुद को जान लेना, मैंने बोला आपसे खुद को ढूंढो पहले, खुद को जानो तब आप मिल पाओगे। आपको दूर इसलिए किया गया, ये डेविल आपको मिलने नहीं दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपको पहले खुद से मिलने की जरूरत है, और कुछ लोग ने ऑलरेडी बाउंड्रीज बना के रखी हुई है। हाँ मुझे पता है यहाँ पर बाउंड्रीज इसलिए बना के रखी हुई, क्योंकि वो अपनी एनर्जीज को अफेक्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है, मैंने कहा काफी उन्होंने दुख पा लिया है, काफी उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया है, बट एक बार और चांस मुझे लगता है आपको देना चाहिए। ये आपका, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये एक मैसेज है जो कि जनरल है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने कह दिया तो आप कर दो, आपको पता है कि वो इंसान कैसा है, क्या है, क्या उसको एक चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, जो भी है, बट मुझे ऐसा दिख रहा है। और यहाँ खुद की बाउंड्रीज भी मैं कहूंगी सेट करो, ठीक है, मैं ये भी कहूंगी खुद की बाउंड्रीज सेट कीजिए। और मैं ये भी कहूँ, ये भी मुझे मैसेज कुछ लोगों के लिए मिल रहा है, कुछ लोग लुक्स पे मर रहे हैं आप लोगों के लुक्स पे, कुछ मतलब कि लुक्स देख के, मैं यहाँ कहूंगी कि इंसान का दिल देखिए प्लीज, हो सकता है वो जो बहुत खूबसूरत, आपको पता है डेविल सबसे सुंदर दिखता है उसके अंदर ये पावर, वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत खूबसूरत है, जैसे वो आपको फंसा सके, ठीक है, वो बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पे मैं कहूंगी कि ये बाउंड्रीज मेंटेन करना भी कभी कभी जरूरी होता है, ये ऑलरेडी मैं यूज कर चुकी हूँ ये लाइन अपने और भी रीडिंग्स में, अगर आपने नहीं सुना तो मैं यहाँ फिर से वैसे यूज करना चाहूंगी कि ये जो बाउंड्रीज है ये लक्ष्मण रेखा है और ये जो है रावण है, ठीक है ना। तो खुद को सेव करके रखना भी जरूरी है, कोई भी चीज हद से ज्यादा खराब होती है। दूसरा यहाँ पे कुछ लोग अपनी बाउंड्रीज सेट करते हुए मुझे स्पिरिचुअलिटी के थ्रू दिख रहे हैं, अकेले रहना नहीं चाहते कि उनकी एनर्जीज कोई अफेक्ट करे। दूसरा यहाँ पे कोई अपने आप से भी मिल रहा है, कोई अपने आप से भी मिल रहा है, और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें अगर होंगी तो कुछ लोगों का यूनियन होना आसान होगा। खुद से पहले मिलना, उस इंसान से मिलने से पहले ईश्वर चाहता है खुद से मिलो, सेल्फ लव करो, उसके बाद उसको कुछ देना, उसको प्यार देना अपना, पहले खुद को दो। कभी कभी आप इतना देने लग जाते हो ना, खुद के लिए नहीं बचता, इतना दे देते हो ना किसी को, इतना दे देते हो ना, खुद के लिए नहीं बचता, बट अभी एक कप और बचा है जो खुद को देना है, ठीक है, पहले खुद को दो उसके बाद किसी को दो, मैं यही कहूंगी। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लाइफ में कुछ पार्टनर आ सकते हैं, वो भी उनकी लाइफ बदल सकते हैं, खुद को खुद से मिला सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है यहाँ पे लाइफ पार्ट, कोई पार्टनर आना जो खुद की, खुद को मिलाना, यहाँ मुझे दिख रहा है कोई है जो वेट कर रहा है किसी का। तो ये भी मुझे यहाँ पे एक मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है, चूंकि ये जनरल रीडिंग है तो काफी मैसेजेस मिल रहे हैं, जो आपसे रेजोनेट करे आप वो लो, ठीक है। दूसरा मैं कहूंगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फाइट करो, अपने लिए फाइट करो, लाइफ में भी अपने लिए फाइट करो, जो कि आप में पूरी पूरी काबिलियत है वो चीज पा सकते हो, चाहे जो भी करना है, मतलब फाइट करो अपने लिए, स्टैंड लो अपने लिए, डरना नहीं है, अपने को प्राउड फील कराना है। चलिए आपके लिए कुछ और मैसेजेस भी दे देते हैं। Expect miracles. Remember that only love is real. Miracle will occur naturally. Spirit has your back. तो वो ऑलरेडी आपके साथ हैं, आपके पीछे खड़े हैं, आपके स्पिरिट्स गाइड, एंड मिरेकल होगा।
अगर आप एक्सपेक्ट करोगे तो वो जरूर होगा। और मुझे लग रहा है आप में से काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो ऐसे बैठकर ये भी ऐसे बैठकर। तो हाँ, आप में से काफी लोग के लिए यहाँ पे खुद ब खुद ईश्वर आपके चाहते हैं कि आप एक्सपेक्ट करो और चीजें डेफिनेटली होंगी। मैंने कहा यहाँ पे कुछ लोग यूनिवर्स के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब वही मेरा मतलब था मैनिफेस्टेशन का। उन्हें पता है कि कैसे चीजें पाई जाती हैं, कैसे चीजें की जाती हैं और एफर्ट्स कैसे करने। बिना एफर्ट्स की तो वैसे नहीं होता, बट यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि रिमेम्बर दैट द लव इज रियल। अपने दिल के साथ काम करो, दिल के साथ काम करो, दिल दिल दिल। डेविल आएगा आपको रोकने, लेकिन आपको रुकना नहीं है। बहुत मुश्किलें आ सकती हैं, डेविल खड़ी करेगा, बट आपको रुकना नहीं है। और भी देखेंगे कार्ड, अभी एक ही कार्ड देखा हमने, आपके स्पिरिट गाइड को और भी कार्ड देखेंगे हम। वॉइस ऑफ ट्रुथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ persecution and speak your truth. अपना सच बोलिए, डरना नहीं है, stand strong, अपने लिए खड़े होइए। मैं कह रही हूँ ना, आप अपने लिए खड़े होइए। और यहाँ मैंने बोला लोग कोई aim है उसके पीछे भाग रहे हैं, पता ही नहीं क्या करना है। आपको पता है आपका purpose क्या है, बस वो बस करते जाना है, करते जाना, रुकना नहीं है लाइफ में यार, रुकने वाले लोग नहीं है। चलिए कुछ इनसे भी देखेंगे हम आपके लिए। द सेल्फ, यही है द सेल्फ। आपको कुछ अच्छा सुनने को भी मिल सकता है, कोई गुड न्यूज मिल सकती है सुनने के लिए। कुछ ऐसी चीजें जो आपको पता नहीं है उसकी खोज करिए, उसकी खोज में निकलिए। और वैसे भी लग रहा है बहुत जल्द सामने आएगी आपके स्ट्रेंथ। सिग्नल्स, आपको भी कुछ सिग्नल्स मिल सकते हैं। पार्टनरशिप, किसी के साथ काम करना, पार्टनर के साथ भी, यहाँ पार्टनर आपको हो जाए। मैंने कहा ना दो लोग हैं यहाँ पे, पर डेविल प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, रुकावटें, मैंने डेविल की बात की थी, रुकावटें भी आएंगी, डिसरप्शन। यहाँ पे कुछ रुकावटें भी आपके काम में आ सकती हैं, ठीक है। तो आपको रुकना नहीं है, मूवमेंट वो तो आप कर ही रहे हैं। मैंने कहा ना यहाँ रुकने वाले लोग नहीं है। Wholeness, खुद में कंप्लीट, किसी की जरूरत नहीं। खुद में कंप्लीट जब तक आप नहीं होंगे तब तक लोग आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। मांगने की एनर्जी में नहीं, देने की एनर्जी में होना चाहिए। हार्वेस्ट, कुछ कलेक्ट करते हुए। आप में से काफी लोग, मैंने कहा यहाँ पर जो किया है उसका फल मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। मेहनत करते हुए, इन प्रोसेस, मतलब अभी आप किसी चीज में लगे हुए हो, कुछ अभी भी कलेक्ट कर रहे हो, अभी आप संतुष्ट नहीं हो जीवन से कि मुझे करना है, मुझे ये भी पाना है, मुझे वो भी पाना है, मुझे करते रहना है, करते रहना, इन प्रोसेस रहना है, मतलब अभी रुकना नहीं है। और जो ये अनोएबल चीजें नहीं पता है वो आगे जाके धीरे धीरे सारे पत्ते खुलेंगे आपके लिए, चिंता ना करें लाइफ में। वो जो अनजाने सी शक्ति है, अनोएबल, वो अनजानी शक्ति शायद यही है जिसको, जिसके बारे में आपको नहीं पता। इसे भी ढूंढने को कहा जा रहा है, खुद को ढूंढने को। और भी देखेंगे मैसेज आपके लिए क्या है। आपके ये मैसेज जब मैं देख रही हूँ, प्लीज मैं आपसे कहूंगी एक बार आईज क्लोज करके आप उनको याद करो जिनको आप मानते हो, कोई भी गॉड, कोई भी स्पिरिट गाइड, जिनको आपको लगता है कि हाँ ये आपकी मदद करते हैं हमेशा, ये आपको बुरे वक्त में आपका साथ देते हैं, कि कोई ऐसी एनर्जी है, ये उनके मैसेजेस हैं, ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज गिरते हैं, आते हैं। कुछ तो बार, यू विल बी थैंकफुल इन फ्यूचर। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, कुछ तो ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है, आप आगे जाके उन्हें थैंक करोगे। आई फील हेल्पलेस व्हेन यू क्राई और फील सैड इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मी। स्पिरिचुअल जर्नी वेटिंग फॉर यू। कहीं ना कहीं काफी लोग की स्पिरिचुअल जर्नी मुझे यहाँ पे स्टार्ट होते हुए दिख रही है, जैसे कि यहाँ जजमेंट का कार्ड भी देखा है। यहाँ पे कुछ लोग अपनी सोल से मिलते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर।
कोई रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन कोई चमत्कार जरूर होगा। जब सारे रास्ते बंद हो जाते तो एक दरवाजा खुलता है। आपसे कहा जा रहा है कि आप परेशान मत होया कीजिए, रोया मत किया कीजिए, सैड मत फील कीजिए। वो हेल्पलेस फील करते हैं, वो आपकी मदद कैसे करो। और मैं आपको एक और बात यहाँ क्लियर कर दूं, जब तक आप एंजल्स और अपने गॉड को इजाजत नहीं देते, तब तक वो आपकी मदद आकर नहीं कर सकते, क्योंकि ये वहां का रूल है। ठीक है, वो आपकी जिंदगी में तब तक दखल अंदाजी नहीं कर सकते जब तक आप खुद उन्हें इजाजत नहीं देते। तो अगर आपको जब भी लगे कि आपको उन्हें याद करना चाहिए जब आप मुश्किलात में हैं, करें, तभी वो आपकी मदद भी कर पाएंगे। ठीक है, और देख लेते हैं मैसेज आपके लिए क्या है यहाँ पर। और जो लोग अपने सोल को जान लेते हैं वो डायरेक्ट कनेक्शन अपना उनसे बना ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 19 से डायरेक्ट कनेक्शन, अपना सोल से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने को कहा जा रहा है। फ्रॉम नाउ न्यू फेज स्टार्ट इन योर लाइफ। ओके, दिस इज स्पिरिचुअल जर्नी वेटिंग फॉर यू। फ्रॉम नाउ अ न्यू फेज स्टार्ट इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में ना कोई चीजें खत्म नहीं, ना रुकने वाली है, बस चलती रहेंगी चलती रहेंगी। एक फेज खत्म, दूसरा फेज शुरू, एक फेज खत्म, दूसरा फेज शुरू, ये चीजें हैं। और आने वाले आगे समय में आपके लिए स्पिरिचुअल जर्नी है, और आप जो भी हो रहा है ये, ठीक है, ये इसके लिए आप आगे थैंकफुल होगे कि थैंक यू ये चीजें लाने के लिए मेरे लाइफ में, थैंक यू मुझे रास्ता दिखाने के लिए, थैंक यू मेरे साथ जो भी हुई है उसमें मेरा साथ निभाने के लिए। ये सब चीजें मुझे लग रहा ना जाने क्यों आप कहोगे। और भी कुछ मैसेजेस हैं आपके, वो भी देख लेते हैं। चलिए, ड्रॉप इट। कोई अगर आपको ऐसे लग रही कोई चीजें जो है तो बहुत भारी है आपके लाइफ में, ठीक है, भारीपन सा लग रहा है, उसे गिरा दें। मतलब उसको रखने की जरूरत नहीं है अपने पास। कोई भी बात है तो या तो किसी से शेयर कर दीजिए, किसी पन्ने में लिख दीजिए, किसी डायरी में लिख दीजिए, या तो उसको किसी पेपर में लिख के जला दीजिए। खुद को परेशान ना करे, बस हैवी मत रखिए अपना चेस्ट। किसी से बोल दीजिए, यहाँ पे आप अपने ईश्वर से बात कर सकते हैं, उनको भी बता सकते हैं। डेयर टू बी हैप्पी, कोशिश करिए खुश रहिए, खुश रहने की कोशिश करिए। आपसे कहा जा रहा है खुश रहिए, खुश रहिए। बहुत प्यार करते हैं आपके स्पेस गाइड आपको। जस्ट सिंग, गाइए, गुनगुनाइए। ये नहीं कि अगर काम में ही कहा काम ही करना है तो अपने लिए मतलब बस खो दिया, यही मतलब काम में ही लगे पड़े हैं, ऐसा नहीं। थोड़ा गाना वाना गुनगुनाइए, थोड़ा लाइफ को एंजॉय भी कीजिए। यहाँ कोई बहुत सैड रहता है क्या, या फिर बहुत रोता है, गलत बात। एंजॉय भी करना है लाइफ को। प्रिंस अवेल, वाओ, पायलवन में भी आया था। अपना कुआं भरिए, बस अपने आंसू से नहीं और दर्द से नहीं, प्यार से, ब्लेसिंग से, ठीक है ना। ये जर्नी आपकी, ये वेल है, उसको अच्छे मोमेंट से भरिए। टर्न बैक, कुछ ऐसा लग रहा है पीछे छूट गया हो आपका। टर्न बैक, आपको पीछे मुड़ने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि कोई चीज ऐसी है जिसपे आपने अपना ध्यान नहीं दिया और वो पीछे छूट गई है। पर वो शायद इम्पोर्टेंट थी आपके लिए। चलिए ठीक है, और देखते हैं। टर्न बैक, ओके, मैं एक मिनट आपके लिए मैसेज तो देख लूं, पर मैं ये टर्न बैक के लिए भी कार्ड देखूंगी। ये टर्न बैक क्यों कहा जा रहा है आपके लिए, पहले मैं और भी आपके लिए मैसेज देख लूं उसमें से। ब्लो ऑफ सब स्टीम, बहुत हाइपर हो जाते हैं क्या आप, जल्दी हाइपर हो जाते हैं, जल्दी गुस्सा आता है, काम रहिए। गेट ओवर योर सेल्फ। लोग क्या कह रहे हैं उसका कंप्लेन करने के बजाय आप उस पर क्या रिएक्ट करते हो, ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, कंप्लेन मत कीजिए,
कि लोग आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। रोना नहीं है, कंप्लेन नहीं कर रहा कि हो सकता है आप में से काफी लोग रोते हो कि न जाने मेरे साथ ऐसा ये क्यों करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों करता है ना, ये पर्सन मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। कोई भी हो सकता है, वो कोई सिचुएशन हो सकता है। मैं तो सबके साथ अच्छा रहती हूँ, मैं अच्छा करती हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। कंप्लेन मत कीजिए, आप उस पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं ये महत्व रखता है। कोई आपके लिए क्या करता है और आप कैसे रिएक्ट करते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे न जाने क्यों आपसे ये कहने वाली हूँ कि बी द क्वीन एंड बी द किंग, किसी को क्या जवाब देना है और किस फेस को किस तरह फेस करना है, कि कोई भी चीज को किस तरह फेस करना है, उसका क्या क्या उत्तर देना है आपको पता होना चाहिए, उस पर आपको कैसे रिएक्ट करना है पता होना चाहिए। क्वीन की तरह, ठीक है ना, एक किंग की तरह डरना नहीं है और रोना नहीं है कि मेरे साथ ही क्यों, नहीं, उसने आपके साथ किया, इट्स ओके, यो उसका उसका कर्म है, हमें अपना कर्म देखना है, वो उसके उसकी लाइफ का उसकी जर्नी का वो पार्ट है। माफ करिए, आगे बढ़िए, ठीक है, उसने गलती की, माफ करिए, उसे रियलाइज होगा आगे जाके, नहीं तो कर्मा वर्क करेगा, डोंट वरी। चलिए, मैं यहाँ पे कार्ड देखने वाली थी आपके लिए, टर्न बैक के लिए, मैं देखना चाहूंगी क्यों आया है ये, पीछे मुड़ने को क्यों कहा जा रहा है आपसे। मैं जी सुन, आप में से काफी लोग ऐसा लग रहा है पहले पावर में थे, पहले अपनी पावर का बहुत अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे थे, बट अभी न जाने आपको क्या हो गया है कि आपने अपनी पावर को खो दिया है। पहले आपको महसूस हुआ कि पहले मैं बहुत ज्यादा ही अच्छी थी, पहले मैं ज्यादा बेटर थी या था, बट अभी जैसे लग रहा है किसी ने अपनी पावर को कहीं ना कहीं खो दिया है, वो भूल गया है कि कैसे वो उस पावर को यूज करता था। उसको वापस जानिए, देखिए क्या हुआ था उस टाइम, क्या चीज थी जो आपको पैशनेट किया वो काम करने के लिए, क्या चीज थी, किस वजह से आपने आपके अंदर वो आग जगी कि नहीं मुझे काम करना है, ये करना है, खुद को प्रूफ करना है। ये सब चीजें पहले आपने किया है, लेकिन यहाँ भी ऐसे लग रही कि ये जो आग है वो बुझ चुकी है, वो जादू जो आपके अंदर है वो पहले आपने पहचाना था, लेकिन अब फिर से कोई भूल सा गया है उसे, उस जादू को जो उसके अंदर है। इसलिए भी हो सकता है आप ये एनर्जी में बैठे थे, ये एनर्जी में बैठे थे, पहले आपने बहुत काम किया है आप न जाने, बट अब वो चीज भूल गए हो, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, अपने 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 अंदर के जादू को भूल गए हो। और ये तब ही होगा जब अपने सोल से मिल लोगे, फिर याद आएगा आपको कि आप क्या कर सकते हो। यहाँ पे कोई अपने मैजिक को भूल गया है, वो पहले करता था लेकिन अब वो भूल चुका है उसे। फिर से जानने का समय आ चुका है, फिर से उठने का समय आ चुका है, बैठे नहीं रहना। ये जो मैजिक कर रहा है ना, ये वही लड़की के बाउल में जो ये फोर्थ बाउल था जो उसके पास था, अब उसे यूज करने का समय है, ठीक है ना। आपसे मैं यही कहूंगी कि अपने पावर को पहचाने। आप लोग थे पावरफुल, न जाने क्यों किसी सिचुएशन की वजह से आपने वो पावर चली गई है आपके अंदर से, या आप नहीं पहचान पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो उसको। मैं आपसे तब यही कहूंगी, अगर कभी भी आप डाउन फील करते हो, पास्ट में जो भी अच्छी चीजें हुई हैं, जो अच्छी यादें हुई हैं, जिसने आपको इंस्पायर किया है, आपको मोटिवेट किया है, उसे याद करें, उसे याद करें। आप वो सब कर सकते थे, आपने इतना कुछ किया है, आगे भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। वो याद करें, वो समय याद करें, वो पल याद की जब आपने अपना मैजिक यूज किया था और आपने कुछ अचीव किया था, आपने कुछ पाया था अपने लाइफ में, चाहे वो कितना भी छोटी खुशी हो, लेकिन आपको वो मिली थी, ठीक है। आपने चाहे वो अपने पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू ही पाया हो, लेकिन आपने पाया था। वो चीजें याद करें, वो अच्छे पल याद करें जो पास्ट में थे, रह गए थे, जो आपने इंजॉय किया है खुशी से, उसे याद करें, ठीक है। और आगे भी वैसे ही जिएं और अपने वही पावर का इस्तेमाल करें, ठीक है। ये मैसेज भी मुझे आपके यहाँ मिल रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।